हेलो स्टूडेंट्स, कैपेसिटेंस की ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें 2 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर चाहिए किसी सर्किट में यूज करने के लिए, जिसके अक्रॉस में इतना पोटेंशियल रहता हो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको एक कैपेसिटेंस बनाना है या चाहिए है, जिसकी वैल्यू होनी चाहिए 2 माइक्रोफैरेड और वोल्ट होगा 1 किलो वोल्ट। राइट, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि 2 माइक्रोफैरेड तो अवेलेबल नहीं है, जो है वो लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफेरेड है। तो ऐसा नहीं कह देना है कि 1+1 लिया और सर 2 बना के इसको सही करके निकल जाए, ठीक है? ऐसी कोई बात नहीं होगी, है ना? पहले समझते हैं क्वेश्चन। विच आर अवेलेबल, बट हर एक जो है वो कितना विथस्टैंड कर सकता है? 300। तो इस तरह का कोई कैपेसिटर अज्यूम कर लो कि हमारे पास 1 माइक्रोफेरेड का है, बट वो 300 वोल्ट ही विथस्टैंड कर पा रहा है। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए यूज कर लिया है बेटा, है ना? तो आप ये कह सकते हो कि अल्टीमेट गोल अपना ये है, और अपने को 1 माइक्रोफेरेड से कैसे इसको अचीव करते हैं। ऐसे किसी क्वेश्चन में पहले पोटेंशियल अपन को सेटिस्फाई कराना होता है, ठीक है? कितना चाहिए अपन को? 1 किलो वोल्ट, और है कितना? 300। तो सीरीज में क्या होता है बच्चों, कनेक्ट करने से एक बेनिफिट होता है, जो पोटेंशियल होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अगर सेम कैपेसिटर्स लगे हों। तो हमें आइडिया लग चुका है इस बात का कि 300 है, तो 3 टाइम्स कनेक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 900, तो भी ये नहीं ऑक्यूपाई कर पाएगा, इसलिए अपन को 4 यूज करने पड़ेंगे। राइट, और जब इनके अक्रॉस 1 किलो वोल्ट आप दोगे तो ये अपने हिसाब से अपने आप को 250 वोल्ट और 250 वोल्ट के फैक्टर्स में रख लेंगे। राइट, इन सब की वैल्यू बच्चों 1 माइक्रोफेरेड है। राइट, इसकी वैल्यू भी 1 है, यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, और ये भी 1 माइक्रोफेरेड है। सबसे पहला काम आपको क्या समझ के चलना है कि ये आपके पास इन रिक्वायर्ड टर्मिनल्स हैं, और ये भी आपके पास वही ए और बी टर्मिनल्स हैं। ऐसे कितने रो चाहिए होंगे आपको, है ना? हाउ मेनी रोस, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे एन रोस। फिर आएगा आपका आंसर कैपेसिटेंस, है ना? बहुत इजी क्वेश्चन होता है, मैं पूरा स्टेप वाइज आपको लिख करके दे देता हूँ। ये 4 कैपेसिटी लगी हुई है, राइट? तो आपके पास एक की वैल्यू कितनी है? 1। तो कैपेसिटेंस ऑफ 1 रो will become 1 divided by, therefore it will be 1/4 microfarad, right? 1/4 microfarad। और कितने चाहिए अपन को, क्योंकि ultimate goal अपना क्या है कि इसे कई सारे connect करने के बाद हमारा जो circuit बन कर निकले वो इन दोनों criteria को fulfill करा ले जाए। That means 1 किलो वोल्ट भी threshold पे रख ले और 2 microfarad value का भी बने, और एक रो के पास तो इतनी value है। आपको पता है पैरेलल में क्या होना शुरू होता है, कैपेसिटी ऐड होने लगती है। तो आप लिख सकते हो कैपेसिटेंस रिक्वायर्ड दैट विल बी 2 माइक्रोफेरेड, ऐसे कितने आपको रोज चाहिए होंगे, है ना? तो n इंटू 1/4 ऑफ माइक्रोफेरेड, ये कैंसिलेशन में आ जाएगा, इसको लिख लोगे तो आपके पास n इज इक्वल टू 8 हो गया। मेरे कहने का मतलब है आपको 8 रोज चाहिए, ठीक है? और एक रोज में 4 लगे हैं, तो टोटल कितने हो गए अपने पास, सीधा मल्टीप्लाई कर लो, है ना? टोटल हो जाएगा आपके पास 4 × 8, दैट इज आपको 32 कैपेसिटर्स यहाँ से चाहिए होंगे। ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। एक्चुअली प्रॉब्लम देखकर हमें समझ में आना चाहिए कि 2 माइक्रोफेरेड और ये दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि 1+1 करा अपना आंसर आ गया, आपको पहले पोटेंशियल सेटिस्फाई कराना है, जो इस मेथड से हो जाएगा। एक बार ये मिल गया सीधा मल्टीप्लाई बच जाता है बस, और आपका आंसर वहीं पे वहीं सिंपल हैंड कैलकुलेशन से मिल जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स, काइंडली लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।